बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डेफिनेटली सेफ एट योर होम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कॉपी वर्क ऑफ होम पेपर बोर्ड्स। सो प्लीज़ टेक आउट द कॉपीज एज वी हैव ऑलरेडी डन इट्स वर्ड मीनिंग्स इन द कॉपी। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स नेक्स्ट वर्किंग ऑफ द पोम। Please take out the pencils and the copies. Open the new page. Now today we are going to start the summary of paper board. Okay, as you can see on the picture as well that I have written the summary for you. So you have to note that summary in the copy. ठीक है, summary आपने copy पे उतारनी है with the beautiful neat and clean handwriting. Now I am reading it for you. मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी इसमें मुश्किल जो है राइटिंग के दौरान ना पेश आए। वट इज़ द समरी इज़ समरी क्या कहती है? समरी में लिखा है द पोएम शोज द चाइल्ड लव हिज प्लेफुलनेस एंड फन। डे बाई डे ही फ्लोट पेपर बोर्ड्स डाउन द रनिंग स्ट्रीम। ही सेंड्स देम विद द इंटेंशन दैट दे वुड रीच टू द स्ट्रेंज लैंड्स विद फुल एक्साइटमेंट। ही राइट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन द बोर्ड्स एंड होप दैट द स्ट्रेंज फ्रेंड विल फाइंड this and will know me. ठीक है, he also load the flowers with the hope that they will bloom and safely reach to the distant land. In the night he sees dream that his boat and feel very happy to know that the angels are sailing on his boat. ठीक है, तो इसमें जो है समरी में आपको मैं छोटा सा जो है ट्रांसलेट कर देती हूँ। ये कहा जाता है कि बच्चा जो है वो रोज़ के रोज़ अपनी पेपर बोर्ड्स बनाकर जो है वो नदियों में या झरनों में वो छोड़ देता है उसके उम्मीद से कि जब भी ये कहीं स्ट्रेंज लैंड में या किसी ऐसी अनजान जगह पहुंचेगी तो लोग इसको हैरानगी से देखेंगे और उसको पकड़ के जो है वो खोल के देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बोर्ड मैंने बनाई है और ये जो है वो कौन से विलेज के बच्चे ने भेजी है। वो उस बोर्ड में अपनी पेपर बोर्ड में वो जो है सुहेली फ्लावर्स को फिल कर देता है ताकि वो जो है वो जब रात में पहुंचती हैं कहीं भी जगह तो वो जब रात को खिलना शुरू होंगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होगा। और जब वो रात में सोने के लिए लेटता है तो वो ख्वाब में क्या देखता है कि उसकी जो बोर्ड है वो बिल्कुल सही है और उसके ऊपर जो रात की परियां हैं वो जो हैं उस पर सवार हैं और बच्चों को ख्वाब बांटती जा रही हैं, तो वो ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ समरी ऑल अबाउट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक आउट द कॉपीज़ एंड ओपन द न्यू पेज। अब आप जो हैं अपनी कॉपीज़ का नया पेज को खोलिए एंड राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द हेडर write down the date and day as well. Now what you have to do, you have to write the question with the blue color and answer with the pencil. Now what is first question is, what does the poet write on his paper boat? Poet ne apni paper boat ke upar kya likha tha? To answer kya hai iska? The poet writes his name and the name of his village on the boat. बोर्ड के ऊपर उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था अपना नाम और अपने विलेज का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डज ही राइट ऑन हिज पेपर बोर्ड? उसने अपने पेपर बोर्ड के ऊपर क्यों लिखा? द पोइट होप्स दैट समवन इन स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड हिज बोर्ड एंड नो अबाउट हिम। ठीक है, उसने अपना नाम इसलिए लिखा कि जब भी ये किसी अनजान जगह पर पहुंचेगी और जब कोई उसे अनजान शख्स उठाएगा और वो देखेगा तो उसे पता चलेगा कि ये मैंने लिखा है या वो उसको मेरे बारे में कुछ जो है इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डज द पोइट लोड हिज बोट विथ फ्लावर्स? सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज़ द पोइट वांट्स द फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। उसने इसलिए फूल भरे थे कि वो अपने गार्डन के जो फ्लावर्स हैं उसमें उसने भर दिए टू द लैंड इन द न्यू प्लेस बिफोर द मॉर्निंग। ठीक है, यानी कि वो ये चाहता था कि उसके जो बोट है वो महकती हुई रात होने से पहले किसी भी स्ट्रेंज लैंड तक सेफली पहुँच जाए। ठीक है, और फ्लावर्स उसके गार्डन के थे जो उसने उसमें डाले थे, तो इसीलिए उसने बस वो पुट किए ताकि वो सेफली दूसरी जगह पर पहुंच सकें और वो किसी अनजान अपने दोस्त को एज अ गिफ्ट फ्लावर्स को डिलीवर कर सके।
Now, my dear students, let's move to the question number 4. What is the question number 4? In what ways are the clouds like the boats? ठीक है, किस तरीके से बादल जो हैं वो बोट की तरह लग रहे थे? ठीक है, तो वो आपका आंसर क्या है? द क्लाउड्स ऑल्सो सीम्स टू हैव वाइट बल्जिंग सेल्स लाइक शिप. वो इसलिए जो है वो बोट से मिलते हुए लग रहे थे कि जो वाइट बादल जो है, जो सफ़ेद बादल थे, उनकी शेप जो है वो बिल्कुल जो शिप के ऊपर सेल लगा हुआ होता है, जो बड़ा सा पर्दा होता है जो हवा से फ्लोट कर रहा होता है, उससे मिलता जुलता है, जिसकी वजह से वो अपनी बोट को क्लाउड से मिलते हुए तशबीह दे रहा है, रिजेंबल कर रहा है. इज दैट क्लियर? नाउ हियर वी हैव द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्या लिखा है? व्हाट हैपेंड इन द पोइट्स ड्रीम. अब जब पोइट जो था, जब वो सोया, तो उसने अपने ख्वाब में क्या देखा? उसने देखा, ही ड्रीम्स दैट हिज पेपर बोट फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स. उसने देखा कि उसकी जो बोट है वो पानी में चले जा रही है रात के सितारों के साथ, जो है सितारों के नीचे वो चले जा रही है. ठीक है, तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था, और आई होप आपको आंसर्स बहुत ज़्यादा ईजी लगे होंगे. और वो इसलिए भी ईजी लगे होंगे कि अगर आपने मेरा लेक्चर सुना है, सो आई एक्सप्लेन इट वेरी वेल, तो आपको पोम जो है वो बहुत आसानी से याद करने में भी हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है, मैं एक आपके जो है क्वेश्चन आंसर के ख़त्म होने से पहले छोटा सा रिव्यू और दे देती हूँ कि ये जो पोम है एक्चुअली एक बच्चे के हवाले से है. उस बच्चे ने किस तरीके से जो है बोट्स बनाई, और वो हर रोज़ाना जो है वो झरनों में या किसी भी दरिया किनारे बैठकर अपनी बोट्स को छोड़ दिया करता था, इस उम्मीद से कि जब ये किसी अनजान जगह पहुँचेंगी तो उसका कोई अनजान दोस्त जिसे वो नहीं जानता, वो जब बोट को उठाएगा तो उसको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये मैंने भेजी है उसके लिए. यानी कि उसको उस बोट पर अपना नाम और जो है ना उसका विलेज का नाम लिख कर भेजता है, ताकि वो उसको जो उसका स्ट्रेंज फ्रेंड है वो उसको रिसीव करके उसको पढ़ सकेगा. ठीक है, तो वो इस उम्मीद से बोट्स बनाता है. बोट की फ़िक्र उसको इस तरीके से होती है कि अब जब उसने बोट बनाई है तो वो ये कहता है कि डेफ़िनेटली ये जो मेरी बोट है, रात होने से पहले किसी भी स्ट्रेंज जगह पर, अनजान विलेज, जहाँ भी उसने पहुँचना है वो पहुँच जाए, ताकि वो बोट जो है वो सेफली रीच कर सके, वहाँ पर जो फूलों की महकती खुशबू है वो छा सके. ठीक है, और वो क्या देखता है ख्वाब में? वो देखता है कि उसकी जो बोट है वो बिल्कुल सही सलामत है, और उसमें जो है वो परियां सवार हुई नहीं हैं, और रात की जो परियां हैं वो बच्चों को ख्वाब बांटती हुई जा रही हैं. तो वो इसको सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है. सो दैट इज़ अ स्टोरी ऑल अबाउट. ये एक पोम की जो स्टोरी है, आइडिया है, सेंट्रल आइडिया, वो कुछ इसी तरीके से है. आई होप यू विल गेट द पॉइंट ऑफ द पोम. ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह वी विल मीट सून अगेन विद द न्यू टॉपिक. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.